शुक्र प्रोडक्शन के लघु कथा साहित्य प्रतियोगिता 2023 के लिए मैं अंजलि दिल्ली से अपनी लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। यह कहानी मौलिक व अप्रकाशित है। मेरी कहानी का शीर्षक है जिंदगी का हिस्सा ड्रैको। यह कहानी है इंसान और जानवर के बीच के प्रेम की। इस कहानी की शुरुआत होती है रूही नाम की 15 वर्षीय लड़की से, जो कि रोज़ की तरह अपनी दोस्त मीनू के साथ स्कूल से घर जा रही है। आज का दिन रूही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज रूही का जन्मदिन है। अब वह 15 वर्ष की हो गई है। रूही यह जानने के लिए उत्सुक है कि उसके पापा आज उसे क्या तोहफा देंगे। रूही जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है, अचानक चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। जब रूही यहाँ वहाँ देखती है तो उसके मम्मी पापा दूसरे कमरे से आते हैं। उनके हाथों में केक व अन्य चीज़ें थीं। फिर बड़े ही अच्छे तरीके से वो सभी रूही का जन्मदिन मनाते हैं। जब रूही अपने पापा से तोहफा मांगती है तो वो अंदर कमरे में जाते हैं और एक बड़ा सा बक्सा लेकर आते हैं। जब रूही उस बक्से को खोलती है तो उसमें से एक छोटा सा कुत्ता निकलता है। उसे देखकर रूही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन सभी मिलकर उसका नाम ड्रैको रखते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है रूही और ड्रैको के सफ़र की। रूही को बचपन से ही जानवर बहुत पसंद है, खासकर कुत्ते। जब भी वो गली में या कहीं भी बाहर जानवर या कुत्ते देखती तो उनको खाना देने ज़रूर जाती। अब रूही अपना ज़्यादातर समय ड्रैको के साथ बिताती है, पूरा दिन उसकी देखभाल करती है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, रूही और ड्रैको के बीच का लगाव बढ़ता जा रहा था। हर रोज़ की तरह आज भी रूही ड्रैको को घुमाने ले जाने के लिए तैयार है। जब भी रूही ड्रैको को घुमाने ले जाती है तो ड्रैको उछलता है और खुश हो जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। ड्रैको अपने बेड पर लेटा हुआ है तथा रूही के बुलाने पर भी नहीं उठ रहा। फिर रूही की मम्मी बताती है कि आज ड्रैको ने खाना भी नहीं खाया। कुछ देर बाद रूही और उसके पापा ड्रैको को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर का कहना है कि ड्रैको को बुखार है। ड्रैको ने सुबह से खाना नहीं खाया था, इसलिए वह उसे ग्लूकोज चढ़ा देते हैं तथा डॉक्टर कहता है कि अगर ये रात को भी कुछ ना खाए तो दोबारा ले आना। फिर वे ड्रैको को लेकर घर चले जाते हैं। रूही की आदत है जब भी वह कुछ खाती है तो ड्रैको को ज़रूर डालती है और ड्रैको खा लेते हैं, लेकिन आज चौथा दिन है, ड्रैको अभी भी कुछ नहीं खा रहा। उसकी हालत पहले से भी ख़राब होती जा रही है। डॉक्टर उसे सुबह शाम 800 रुपये के ग्लूकोज चढ़ाता है और कहता है कि यह जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर पूरी जांच करने के बाद रूही और उसके पापा को बताता है कि ड्रैको को पार्वो नामक वायरस हुआ है और उसके बचने के चांस 50-50 हैं। रूही यह सब सुनकर बहुत उदास और परेशान हो जाती है। रूही बचपन से ही भगवान के होने पर शंका जताती रही है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे वह भगवान के होने पर विश्वास कर सके। घर वापस जाते समय रूही अपने पापा को गाड़ी मंदिर के सामने रोकने को कहती है। रूही मंदिर जाकर मन्नत मांगती है कि अगर ड्रैको ठीक हो गया व स्वस्थ हो गया तो वह अपनी पूरी ज़िंदगी भूखे जानवरों को खाना खिलाएगी। ड्रैको की हालत सुधरती जा रही है। ड्रैको को बीमार हुए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अब वो ठीक होता जा रहा है। रूही और ड्रैको अब रोज़ शाम को सैर करने जाते हैं।
तथा रूही रास्ते में मिलने वाले सभी जानवरों को खाना खिलाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। ड्रैको अब 1 साल और 2 महीने का होने वाला है। रूही स्कूल से घर आती है, फिर अपना होमवर्क पूरा करती है। शाम हो चुकी है, ड्रैको को घुमाने का समय हो गया है। रूही खाना लेती है और ड्रैको की बेल्ट पकड़कर उसे ले जाने लगती है। अचानक ड्रैको उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देता है। रूही को कुछ समय समझ नहीं आया, वो अपने पापा के कमरे की तरफ दौड़ती है। फिर रूही और उसके पापा ड्रैको को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर ड्रैको का चेकअप करने के बाद कहता है कि मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, यह सुबह तक ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा फिर तीसरा दिन भी बीत जाता है। आज ड्रैको को उल्टियाँ करते हुए 4 दिन हो चुके हैं। डॉक्टर रोज़ आता है, इंजेक्शंस देता है और 500 रुपये लेकर चला जाता है। आज भी डॉक्टर ने यही कहा कि ड्रैको कल तक ठीक हो जाएगा, आप परेशान न हों। डॉक्टर के जाने के 2 घंटे बाद ड्रैको एक ही जगह पर लेटा हुआ था। रूही उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। ड्रैको हिलने का नाम नहीं ले रहा था। रूही ड्रैको के सिर पर हाथ फेरते फेरते रोने लगती है। उसे पता चल जाता है कि ड्रैको अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। ड्रैको अपना सिर रूही के हाथों पर रखता है और थोड़ा हिलता है तथा 6:05 पर ड्रैको रूही को छोड़कर चला जाता है। धन्यवाद।